गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर लास्ट चैप्टर ऑफ फाइनल टर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज लीज़ा एंड द लॉस्ट लेटर। इन दिस चैप्टर वील स्टडी अबाउट अ गर्ल हुज नेम इज़ लीज़ा एंड अबाउट अ लॉस्ट लेटर। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अ रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 110। सो इन दिस स्टोरी, इन दिस चैप्टर देर आर फ्यू करेक्टर्स लाइक नरेटर। नरेटर वो होता है जो स्टोरी को एक्सप्लेन करता है या जो स्टोरी को बताता है। प्रिंसेस मार्गरेट, गार्ड, लीज़ा हिगिन, गेटकीपर एंड अपॉइंटमेंट्स सेक्रेटरी। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द स्टोरी। वर्ड मीनिंग्स आर गिवन एट द कॉर्नर ऑफ द पेज। साइड में वर्ड मीनिंग्स भी दे रखी हैं, तो जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उन सब की मीनिंग जो है वो साइड में दे रखी है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नरेटर, अब नरेटर से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। नरेटर बता रहा है स्टोरी में क्या है। एवरी संडे मॉर्निंग एट 9 o'clock द रॉयल फैमिली राइड्स पास्ट लीज़ा हिगिन्स हाउस एंड लीज़ा इज ऑलवेज वेटिंग ऑन द साइडवॉक इन फ्रंट ऑफ हर हाउस वेविंग अ लिटिल फ्लैग अ वन गर्ल वेलकमिंग कमिटी। नरेटर इज सेइंग कि हर संडे मॉर्निंग को 9 बजे के टाइम जो रॉयल फैमिली होती है वो पूरी फैमिली अपने जो विलेज होता है या अपना जो एरिया होता है वहाँ पर निकलती हैं। तो वो गर्ल है लीज़ा, लीज़ा के घर के सामने से निकल के जाते हैं। तो वो जो गर्ल है, वो जो लिटिल गर्ल है, वो अपने हाथ में फ्लैग लेके हर रोज़ अपने घर के बाहर उनको वेव करती है। ओके, One Sunday morning in June, as the royal carriage rolled towards her, Lisa noticed that Princess Margaret was reading a letter. अब हर संडे की तरह एक संडे जब वो रॉयल कैरेज जाता है, कैरेज मीन्स ये जो आप देख सकते हैं ये पालकी टाइप जो है, हॉर्स लगे हैं पीछे, एक कैरेज है, सो दिस कॉल्ड एज कैरेज, बैलगाड़ी या वट एवर यू कैन से, यहाँ पर तो घोड़े लगे हुए हैं तो इट्स अ कैरेज। तो दैट संडे मॉर्निंग ऑल्सो जब वो रॉयल कैरेज निकल के जाता है तो लीज़ा देखती है दैट प्रिंसेस मार्गरेट, जो प्रिंसेस हैं, जो किंग और क्वीन की बेटी हैं प्रिंसेस मार्गरेट, वो शी इज़ रीडिंग अ लेटर, वो एक लेटर पढ़ रही हैं। सडनली द लेटर फ्लू आउट ऑफ द प्रिंसेस हैंड इन टू द एयर एंड सडनली वॉट हैपन्स, हवा का झोंका आता है और प्रिंसेस मार्गरेट के हाथ से वो जो लेटर होता है वो उड़ जाता है। The carriage jerked to a stop. Meaning of jerked is made a quick, sharp or sudden movement. Ekdam se. Jerked means ekdam se. The carriage jerked to a stop. The guard dismounted and began searching the street. Meaning of dismounted, got off a wheel. Matlab wo carriage se utarta hai jo guard hota hai. The guard dismounted means carriage से उतरना and began searching the street, और वो street जो होती है पूरे road पर ढूंढने लगता है। She noticed how anxious the princess looked, but the queen seemed impatient. She spoke to the driver and just as suddenly as the procession has stopped, the carriage resumed moving down the street. Lisa ये notice करती है कि हाउ एंशियस द प्रिंसेस लुक, प्रिंसेस जो है वो कितनी एंशियस, एंशियस का मतलब है फीलिंग वरिड, मतलब वो कितनी चिंता में हो जाती हैं। बट द क्वीन सीम्ड इम्पेशेंट, बट द क्वीन सीम्ड इम्पेशेंट मीन्स इम्पेशेंट का मतलब होता है अनॉयड, मतलब गुस्से में। शी स्पोक टू द ड्राइवर एंड जस्ट एज सडनली एज द प्रोसेशन हैज स्टॉप्ड द कैरेज रिज्यूम्ड मूविंग डाउन द स्ट्रीट। जो क्वीन होती हैं वो जो गार्ड होता है उससे कहती हैं वट एवर, कुछ भी कहती हैं, तो जो प्रोसेस होता है लेटर को ढूंढने का वो बंद होता है और उनका जो कैरेज है वो फिर से चलने लगता है। नेक्स्ट पेज 111। लीज़ा वेटेड अंटिल द कैरेज एंड गार्ड वर आउट ऑफ साइट। कैरेज निकल के जाता है उसके घर के सामने से, तो लीज़ा तब तक उसे देखती रहती है जब तक वो उसकी आँखों के सामने रहता है। She walked up the alley where she had seen the letter below. Alley means a narrow pathway between or behind buildings. Alley means buildings के बीच में जो थोड़ी सी जगह बचती है, that is alley.
तो उसको दिखता है कि वो लेटर वहाँ की तरफ उड़ के गया था। देयर बिहाइंड अ ट्रैश बैरल वॉज अ हैंड रिटन लेटर ऑन फाइन स्टेशनरी इम्प्रिंटेड विद द सील ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस। लीजा फोल्डेड द लेटर केयरफुली एंड पुट इन हर पॉकेट। नाउ ट्रैश मीन्स अमेरिकन वर्ड ऑफ गार्बेज। ट्रैश मीन्स गार्बेज, कूड़ा। बैरल मीन्स वुडन कंटेनर जिसमें हम कूड़ा डालते हैं। बैरल मीन्स जिसमें हम कूड़ा डालते हैं और ट्रैश मीन्स कूड़ा। ओके, तो जब वो लेटर ढूंढने जाती है तो ट्रैश बैरल में एक हैंड रिटन लेटर उसे पड़ा हुआ मिलता है जिस पे किंग फ्रांस के जो किंग हैं उनकी मोहर लगी होती है। जब वो उसे मिलता है लीजा को, तो वो उस लेटर को फोल्ड करती है और केयरफुली अपनी पॉकेट में रख लेती है। लीजा डिडंट टेल अ सोल अबाउट व्हाट शी हैड फाउंड एंड डिसाइडेड टू वॉक ब्रिस्कली टूवर्ड्स द पैलेस। लीजा किसी को भी नहीं बताती है कि उसको वो लेटर मिल गया है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, और वो चुपके से पैलेस की तरफ बढ़ती है। ब्रिस्कली मतलब क्विकली, जल्दी जल्दी। द गेट टू द पैलेस वॉज गार्डेड बाय अ गेट कीपर हु वॉज वेयरिंग अ टॉल बूशी ब्लैक हैट एंड स्टैंडिंग स्टिल एट द एज अ स्टैचू। जब वो पैलेस पे जाती है तो बहुत बड़ा गेट होता है पैलेस का, और उसके बाहर जो है वो एक गार्ड खड़ा होता है, हु इज़ वेयरिंग, जो गेट कीपर होता है, हु इज़ वेयरिंग अ टॉल बूशी ब्लैक हैट। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वो एक बहुत बड़ी, बहुत घनी बालों की हैट पहना होता है और वो एकदम स्टैचू की तरह स्टिल खड़ा होता है। लीजा, अब यहाँ पे कॉन्वर्सेशन शुरू होता है लीजा का गेट कीपर का। सो लेट्स सी द कॉन्वर्सेशन। लीजा कहती है, एक्सक्यूज मी, आई मस्ट सी प्रिंसेस मार्गरेट। लीजा कहती है कि एक्सक्यूज मी, मुझे प्रिंसेस मार्गरेट से मिलना है। गेट कीपर कहता है, मे आई सी योर पास, क्या मैं आपका पास दे सकता हूँ। लीजा कहती है, आई डोंट हैव अ पास, मेरे पास कोई भी पास नहीं है। गेट कीपर सेज, आई एम सॉरी, नो वन कैन गेट थ्रू द गेट विदाउट अ पास। गेट कीपर कहता है दैट आई एम रियली सॉरी, कोई भी बिना पास के अंदर नहीं जा सकता। लीजा, बट यू डोंट अंडरस्टैंड, आई फाउंड समथिंग दैट बिलोंग्स टू द प्रिंसेस, आई एम श्योर शील वॉन्ट इट बैक, शील वॉन्ट इट बैक। लीजा कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, यू कांट अंडरस्टैंड दैट जो मेरे पास है वो प्रिंसेस मार्गरेट को चाहिए, और मैं जानती हूँ कि उनको वो वापस चाहिए। शी वॉन्टेड बैक। गेट कीपर सेज, एंड नो डाउट यू विल वॉन्ट अ रिवॉर्ड ऑफ योर सर्विस। और गेट कीपर कहता है कि बिल्कुल, जब तुम उन्हें कुछ दोगी तो शायद तुम रिवॉर्ड चाहती हो, तुम उनसे वापस कुछ मांगना चाहती हो। लीजा सेज, नो, आई जस्ट वॉन्ट टू रिटर्न टू द प्रिंसेस वॉट इज़ हर्स। लीजा कहती है कि नहीं, मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उन्हें वो देना है जो उनका है। गेट कीपर सेज, इन दैट केस यूल हैव टू हैव अ पास। गेट कीपर कहता है, तब अगर तुम्हें उन्हें कुछ वापस करना है तब तो तुम्हें पास की ज़रूरत पड़ेगी। लीजा, बट हाउ विल आई गेट एवर गेट अ पास। लीजा कहती है, बट फिर मुझे कभी भी पास क्यों मिलेगा, हाउ विल आई एवर गेट अ पास। गेट कीपर सेज, आई विल बी हैप्पी टू अरेंज इट फॉर जस्ट हाफ ऑफ द रिवॉर्ड। गेट कीपर कहता है कि मैं तुम्हें पास अरेंज करके दूंगा, लेकिन तब जब तुम अपने रिवॉर्ड में से आधा मुझे दोगी। लीजा, आर यू सीरियस, वो उसे क्वेश्चन पूछती है, आर यू सीरियस। फिर नाउ नरेटर सेज, विदाउट इवन लुकिंग एट लीजा द गेट कीपर सिंपली सेड, गुड डे। लीजा, देन नरेटर सेज, लीजा डिडंट मूव, शी वॉज एंग्रीड बट द गेट कीपर ग्रीड बाय द गेट कीपर्स ग्रीड, बट द थॉट ऑफ अ रिवॉर्ड हैडंट इवन अकर्ड टू हर, सो शी रिकंसिडर्ड एंड सेड। जब जो गेट कीपर होता है वो लीजा से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पास अरेंज कर सकता हूँ, बट यू हैव टू गिव हाफ ऑफ द रिवॉर्ड टू मी, मतलब जो भी तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा तुम उसका हाफ रिवॉर्ड मुझे दोगे। तब लीजा थोड़ी देर शांत खड़ी होती है
और वो थोड़ा कंसिडर करती है, सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन लीज़ा के दिमाग में कभी भी रिवॉर्ड की बात नहीं आई थी, बट फिर भी वो सोचती है। ओके, टर्न द पेज, पेज 112। लीज़ा सेज, परहैप्स आई विल गिव यू हाफ ऑफ द रिवॉर्ड। लीज़ा जवाब में कहती है, सोच के, बहुत सोच समझ के कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना आधा रिवॉर्ड दूंगी। देन नरेटर, मतलब वो डिस्क्राइब कर रहा है क्या होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम द गेट कीपर स्माइल्ड, ही टुक अ पीस ऑफ पेपर आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड साइंड इट। गेट कीपर हंसता है और अपनी पॉकेट से एक पेपर का पीस निकाल कर उस पर साइन कर देता है, जो वो पास की तरह वर्क करेगा। गेट कीपर कहता है, हेयर्स, ये लीजिए आपका पास। नरेटर सेइंग दैट ही ओपन द गेट फॉर लीज़ा एंड लेट हर इन। अनदर गार्ड एस्कॉर्टेड लीज़ा टू द फॉयर वेयर द अपॉइंटमेंट्स सेक्रेटरी हु वॉज सीटेड एट ऑन ऑर्नेट वुडन डेस्क वॉज आइडली टर्निंग द पेजेस ऑफ ह्यूज अपॉइंटमेंट बुक। अब जब वो गेट कीपर लीज़ा को अंदर जाने देता है, तब जब वो अंदर पहुँचती है, तब वहाँ पे एक और गार्ड्स की जो टीम होती है वो बैठी होती है, जो होते हैं अपॉइंटमेंट सेक्रेटरीज। मतलब वो देखते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट है किंग और क्वीन से या प्रिंसेस से मिलने की नहीं है। मीनिंग ऑफ एस्कॉर्टेड, वेंट विद अनदर टू प्रोटेक्ट और गाइड देम। एस्कॉर्टेड मतलब एक और गार्ड उनको मिलता है। ऑर्नेट मीन्स रिच डेकोरेटेड विद पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस। ऑर्नेटेड वुडन डेस्क मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेटेड, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड डेस्क पे वो लोग बैठे होते हैं और उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट बुक होती है। मतलब बुक, जो प्रॉपर बुक होती है, कॉपी कह लो या बुक कह लो, तो उनके पास वो होती है जिसमें सारे पूरे डे की अपॉइंटमेंट्स होती हैं। सेक्रेटरी, हु इज दिस अर्चन, Who is this urchin? Meaning of urchin is a young child who is poorly or raggedly dressed. Urchin का मतलब होता है एक बच्चा जो बहुत ही बुरी तरह से कपड़े पहने हुआ है, बहुत ही गंदा सा दिख रहा है या गंदे से कपड़े पहना हुआ है। ठीक। Guard, just another beggar looking for a royal reward. गार्ड कहता है, एक और beggar, भीख मांगने वाला जो reward चाहता है। Just another beggar looking for a royal reward. She claims she is returning something to the princess. जब वो सुनती है कि गार्ड उसके लिए कह रहे हैं कि एक और भिखारी है जो रॉयल फैमिली से रिवॉर्ड लेने आया है, तो लीज़ा जवाब में कहती है कि आई हैव समथिंग टू रिटर्न टू प्रिंसेस, मेरे पास कुछ है जो मुझे प्रिंसेस को लौटाना है। सेक्रेटरी, I'm sorry, but Her Majesty's calendar is completely full for weeks. But if you just give whatever it is to me, I'll see that it is returned to the princess. Secretary जो होता है वो कहता है कि I'm sorry, Her Majesty means जो princess है, Her Majesty, princess को हम कहते हैं Her Majesty, जो queen होती हैं या जो princess होती हैं, तो they don't take their name, they call them Her Majesty. वो कहता है कि हर मेजेस्टी का जो कैलेंडर है पूरे वीक का वो फुल है, अपॉइंटमेंट का कैलेंडर जो है वो पूरा फुल है, बट लेकिन जो भी तुम्हें मिलेगा वो तुम मुझे दे दोगी, तब मैं कुछ करता हूँ। सी, वो अगेन उनसे बाटर करता है कि तुम जो तुम्हें मिलेगा वो तुम मुझे दे दो, तब मैं कुछ सोचता हूँ। ठीक। नाउ नरेटर सेज, लीज़ा शुक हर हेड। लीज़ा अपना सर हिला देती है। लीज़ा कहती है, यू डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज़ अ पर्सनल मैटर, आई मस्ट रिटर्न इट टू द प्रिंसेस माई सेल्फ। लीज़ा कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत ही पर्सनल मैटर है, मैं खुद प्रिंसेस को अपने हाथों से वो वापस करना चाहती हूँ। सेक्रेटरी, इन दैट केस कम बैक इन सेप्टेम्बर एंड आई सी वॉट आई कैन डू, गुड डे। सेक्रेटरी कहता है, बहुत बढ़िया बात है, तुम जाओ, सितंबर में आना, तब मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। मींस सितंबर में, अभी जो भी मंथ होगा वो कहता है कि तुम सितंबर में आना, फिर मैं कुछ करता हूँ। नरेटर, लीज़ा डिडंट मूव, शी स्टेयर्ड इनटू द आईज़ ऑफ द अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी,
सो ही वुड नो शी वॉज सीरियस। लीज़ा कुछ नहीं कहती है, बिल्कुल हिलती नहीं है, बस वो उस अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी की आईज़ में देखती है जिससे कि लगे कि वो वाकई में सीरियस है। लीज़ा, व्हाई डोंट यू आस्क प्रिंसेस मार्गरेट इफ शी लॉस्ट समथिंग? आई थिंक यू विल फाइंड दैट शी विल वॉन्ट टू सी मी इमीडिएटली। लीज़ा कहती है, क्यों ना तुम प्रिंसेस मार्गरेट से ही पूछो कि क्या आपकी कोई चीज़ खो गई है। आई थिंक, मुझे लगता है कि वो खुद मुझे बुलाने के लिए तुमसे कहेंगी इमीडिएटली, तुरंत वो मुझे बुलाने के लिए तुमसे कहेंगी। सेक्रेटरी कहता है, आई सी इफ दैट्स इम्पॉर्टेंट देन परहैप्स आई कैन अकोमोडेट यू। मीनिंग ऑफ अकोमोडेट मीन्स टू डू अ फेवर, अडेप्ट और एडजस्ट, मतलब कोई फेवर करना, किसी की हेल्प करना या किसी पे एहसान करना। वो कहता है कि आई सी इफ दैट्स इम्पॉर्टेंट देन परहैप्स आई कैन अकोमोडेट यू बट यू विल हैव टू कॉम्पनसेट मी फॉर माई एफर्ट्स ऑन योर बिहाफ। इट विल कॉस्ट यू हाफ ऑफ योर रिवॉर्ड। वो सेक्रेटरी भी कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा कि जो भी तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा उसका हाफ जो है वो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। लीज़ा अग्रीड, लीज़ा मान जाती। सेक्रेटरी, द प्रिंसेस विल सी यू, रिमेंबर आई गेट हाफ ऑफ द रिवॉर्ड। सेक्रेटरी कहता है कि प्रिंसेस तुमसे मिलेंगी, लेकिन याद रखना कि आधा रिवॉर्ड मेरा होगा। लीज़ा, आई हैव एन एक्सलेंट मेमोरी। लीज़ा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरी मेमोरी जो है वो बहुत शार्प है, मुझे याद रहेगा। नरेटर सेज, द सेक्रेटरी assured Lisa into Princess Margaret's chamber. As they entered, the princess was pacing the floor. On her face was the same worried expression. He left, closing the polished mahogany door behind him. अब narrator कहते हैं कि जो secretary होता है वो लीज़ा को लेकर जाता है प्रिंसेस मार्गरेट के चैम्बर में। प्रिंसेस मार्गरेट जो होती है वो फ्लावर्स लगाती होती हैं, और उनके चेहरे पे जो होता है वो सेम वर्ड एक्सप्रेशन होता है। सेक्रेटरी लीज़ा को छोड़कर उनके रूम में, और वो उनकी बहुत सुंदर खूबसूरत महोगनी डोर को बंद करके चला जाता है। टर्न द पेज, पेज नंबर 113, प्रिंसेस मार्गरेट कहती है, एंड हु माइट यू बी। प्रिंसेस मार्गरेट से कहती है कि तुम कौन हो सकती हो। लीज़ा कहती है, लीज़ा हिगिन्स माई योर मेजेस्टी। लीज़ा कहती है कि मेरा नाम लीज़ा हिगिन्स है मैम। प्रिंसेस मार्गरेट, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट हैव यू फाउंड। प्रिंसेस मार्गरेट सेज, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट यू हैव फाउंड, मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या मिला है। लीज़ा कहती है, अ लेटर योर मेजेस्टी, मुझे लेटर मिला है। आई बिलीव यू लॉस्ट इट ऑन द वे टू चर्च दिस मॉर्निंग। कहती है कि मुझे पता है, मुझे बिलीव है कि वो जो आप लेटर आपका खोया है वो आज संडे मॉर्निंग सुबह चर्च जाते टाइम खोया था। नरेटर, लीज़ा रिट्राइव द लेटर फ्रॉम हर जैकेट पॉकेट एज द प्रिंसेस अप्रोच हर। लीज़ा अपने पॉकेट में से लेटर निकाल के और प्रिंसेस को देती है। मीनिंग ऑफ रिट्राइव्ड इज ब्रॉट आउट समथिंग फ्रॉम समवेयर। रिट्राइव्ड मीन्स पॉकेट से वो निकाल के देती है। प्रिंसेस मार्गरेट, थैंक यू। प्रिंसेस मार्गरेट अगेन सेज, Have you read it? Lisa कहती है, no. The princess peered into Lisa's eyes to see if she was telling the truth. Princess जो होती हैं वो Lisa की आँखों में झांकती हैं, बहुत एक अच्छे उससे झांक कर देखती हैं कि क्या Lisa सच बोल रही है या नहीं, उसने letter पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। Lisa, I can't understand a word of French. लीज़ा कहती है कि मैम, मुझे फ्रेंच का एक वर्ड भी समझ में नहीं आता है। द प्रिंसेस स्माइल्ड।
कहती हैं, प्रिंसेस मार्गरेट कहती हैं, हैव यू शोन एनीवन, क्या तुमने ये किसी को दिखाया है? लीज़ा कहती है, नॉट अ सोल योर मैजेस्टी। लीज़ा सेज, नहीं मैम, मैंने ये किसी को भी नहीं दिखाया है। द प्रिंसेस ब्रीद अ साइन ऑफ रिलीफ। जो प्रिंसेस होती हैं वो थोड़ा रिलीफ करती हैं। प्रिंसेस मार्गरेट कहती हैं, थैंक यू लीज़ा, दिस लेटर मीन्स अ ग्रेट डील टू मी, इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, नेम योर रिवॉर्ड। प्रिंसेस मार्गरेट कहती हैं, थैंक यू सो मच लीज़ा, ये लेटर मेरे लिए बहुत कीमती है, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे मांगना चाहती हो? अपना रिवॉर्ड बताओ। ओके, टर्न द पेज 114। लीज़ा, आई डिड नॉट रिटर्न योर लेटर फॉर अ रिवॉर्ड। लीज़ा कहती है कि मैंने आपका लेटर किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं वापस किया है। आई वॉज जस्ट डूइंग वॉट आई वुड लाइक समवन टू डू फॉर मी। लीज़ा कहती है कि मैंने किसी रिवॉर्ड के लिए आपका लेटर वापस नहीं किया है, मैंने वो इसलिए किया है क्योंकि शायद अगर मेरे जो मैं चाहती कि मेरे लिए भी कोई सेम चीज़ करे। बट सिंस यू आर सो काइंड टू ऑफर रिवॉर्ड आई cannot refuse. However, I wondered if you would summon a palace gatekeeper and an appointment secretary. Meaning of summon means to order someone to come. Okay. अब लीज़ा कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं चाहती हूँ कि क्या आप समन भेज सकती हैं अपने गेटकीपर और अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी को बुलाने के लिए। समन मीन्स किसी को बुलाने का बुलावा देना। दे बोथ हेल्प्ड मी टू गेन एन ऑडियंस विद यू, आई थिंक दे विल बी हैप्पी टू नो दैट यू हैव ग्रांटेड मी अ रिवॉर्ड। कहती है कि उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की है और वो ये जान के बहुत खुश होंगे कि आप मुझे रिवॉर्ड दे रही हैं। प्रिंसेस मार्गरेट सर्टेनली कॉलिंग आउट गार्ड। वो एकदम से गार्ड को बुलाने लगती हैं। इंस्टेंटली द डोर ओपन्ड एंड अ गार्ड अपीयर्ड। प्रिंसेस मार्गरेट कहती हैं, लीज़ा यू हैव डन अ ग्रेट सर्विस टू मी बाय रिटर्निंग अ प्राइज्ड प्रोसेशन, हाउ कैन आई रिवॉर्ड यू, योर विश इज़ माई कमांड। प्रिंसेस मार्गरेट कहती हैं कि लीज़ा तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है, एक इतनी कीमती चीज़ मुझे लौटाकर। हाउ कैन आई रिवॉर्ड यू, मैं तुम्हें कैसे रिवॉर्ड कर सकती हूँ, योर विश इज़ माई कमांड, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी। द गेट कीपर एंड द सेक्रेटरी स्माइल विद एंटिसिपेशन। मीनिंग ऑफ एंटिसिपेशन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, मतलब आगे जानने के लिए वो खुश हो जाते हैं कि लीज़ा क्या रिवॉर्ड मांगती है। क्यों? क्योंकि लीज़ा को जो भी रिवॉर्ड मिलता वो दोनों में हाफ ऑफ करती। लीज़ा, थैंक यू फॉर योर जेनरोसिटी योर मैजेस्टी। थैंक यू फॉर योर जेनरोसिटी, मतलब आपके इतने जनरल इतने अच्छे बिहेवियर के लिए थैंक यू योर मैजेस्टी। इफ़ यू विल ग्रांट माई विश, I humbly request a sentence of 2 weeks in jail. अब लीज़ा प्रिंसेस मार्गरेट से कहती है कि थैंक यू सो मच, इफ़ यू विल ग्रांट माई विश आई humbly request a sentence of 2 weeks in jail. कहती है कि थैंक यू सो मच, अगर आप मेरी कोई विश पूरा करना चाहती हैं तो आई humbly request sentence of 2 weeks in jail. मैं जेल में 2 weeks रहना चाहती हूँ। The face of the gatekeeper and the secretary turned white. Their jaw dropped open. The princess frowned. जो gatekeeper होता है और जो secretary होता है appointment secretary, उन दोनों का face एकदम white हो जाता है, उनका मुँह खुला का खुला रह जाता है। Jaw, उनका jaw होता है, जो मुँह होता है वो खुल जाता है। और जो princess होती हैं वो भी shock हो जाती हैं, frowned हो जाती हैं। Princess Margaret, I don't understand. प्रिंसेस मार्गरेट कहती है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या मांग रही हो। लीज़ा कहती है, यू सी ऑल्दो आई डिड नॉट सीक अ रिवॉर्ड, द रॉयल गेट कीपर एज वेल एज योर अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी मेड मी प्रॉमिस टू गिव हिम हाफ ऑफ माई रिवॉर्ड इन रिटर्न फॉर लेटिंग मी इन थ्रू द पैलेस गेट, इवन दो आई टोल्ड देम बोथ आई वॉज हेयर टू रिटर्न समथिंग यू हैड लॉस्ट। I hope that you will grant my request.
लीज़ा कहती है कि मैम, आपके गेट कीपर और आपके अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ने दोनों ने मुझसे हाफ ऑफ रिवॉर्ड मांगा था कि अगर वो मुझे अंदर जाने देंगे तो जो भी मुझे रिवॉर्ड मिलेगा वो मैं इन दोनों को हाफ ऑफ दूँगी, जबकि मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए था। अब वो कहती है कि आई होप कि अब आप मुझे जो मैंने मांगा है वो मुझे दें। उसने क्या मांगा है? 2 हफ्ते जेल। प्रिंसेस मार्गरेट, आई कैन नॉट रिफ्यूज़ योर रिक्वेस्ट, स्पीकिंग टू द गार्ड। प्रिंसेस मार्गरेट कहती हैं कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। वो गार्ड से कहती हैं टेक द प्रिजनर्स अवे। फिर वो लीज़ा की तरफ टर्न करती हैं और कहती हैं यंग लेडी, यू हैव डन 2 great services, वन टू मी पर्सनली एंड वन टू द रॉयल फैमिली। आई वुड लाइक टू गिव यू अनदर रिवॉर्ड। अब मैं तुम्हें एक और रिवॉर्ड देना चाहती हूँ क्योंकि तुमने पर्सनली मुझे हेल्प की है और रॉयल फैमिली की हेल्प की है। एज द प्रिंसेस टुक अ क्लोज लुक एट लीज़ा शी सेड। तो प्रिंसेस मार्गरेट ने लीज़ा को कुछ और रिवॉर्ड देने के बजाय ये रिवॉर्ड दिया कि तुम मेरे साथ मेरी तरह नेक्स्ट संडे चलो। सो लीज़ा बहुत खुश हो गई। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर, एक्सप्लेन हो गया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको PDF मिल जाएगा। सो आप PDF में से वर्ड मीनिंग्स को, क्वेश्चन आंसर्स को और जो भी वर्क कॉपी में करने का है वो कर लेंगे। ओके बेटा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू।